Good morning, 10th class students. Welcome back. Today I am going to start your new chapter, part 2, Coorg. The title is Coorg, from Glimpses of India. Okay, Glimpses of India chapter is related from your first flight book, the same book which we were running. Okay, chapter 7, Glimpses of India. There are three parts in this chapter. The first is a baker from Goa. Second is Coorg, which is going to be started. And third one is tea from Assam. So, sabse pehle hum iska first nahi, second part shuru karenge, right? That is Coorg. Let's begin. Coorg is coffee country, famous for its rainforest and spices. देखिए Coorg की specific characteristics इसमें बताई गई हैं. Okay, Coorg जो है एक छोटा सा hill station है कर्नाटका state का. तो इस कर्नाटका state के छोटे से hill station जिसका नाम Coorg है, Coorg के nature traits के बारे में इसमें बताया है, उसके natural scenes के बारे में बताया है, उसके specific वो क्यों है coffee country, क्यों बुलाया जाता है Coorg को एक कॉफी कंट्री के नाम से, क्यों वो फेमस है अपने रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. दिस चैप्टर फर्स्टली हैज बीन रिटन बाय लोकेश अब्रॉल. ठीक है ना, तीनों जो पार्ट्स हैं इसके वो अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखे गए हैं. तो ये जो पार्ट है Coorg, दैट इज़ रिटन बाय लोकेश अब्रॉल. तो लोकेश अब्रॉल इसमें ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ये लोकेट कहाँ है, ठीक है ना, ये किसके बीच का एक टुकड़ा है, किन स्टेट्स या किन कंट्रीज़ के बीच के बीच में ये आता है. तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, ये मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन, कोस्टल टाउन यानी कि ऐसा रीजन जहाँ पर, ऐसा टाउन जहाँ पर समुद्र हो ज़्यादा, ठीक है ना, मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में ये एक छोटा सा टुकड़ा है. सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, इसे पीस ऑफ हेवन क्यों कहा है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम, ड्रिफ्टेड मीन्स होता है कैरीड अवे बाय द एयर. ओके, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, मानो ऐसा लगता है कि ये भगवान के राज्य से लिया गया एक स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो हवा के साथ चलकर, हवा के साथ उड़कर यहाँ पर शिफ्ट हो गया है. मीन्स कहाँ पर, मैंगलोर और मैसूर के बीच में. ओके, तो ये गॉड गिफ्ट भी माना गया है इस हिल स्टेशन को, राइट, पीस ऑफ हेवन भी माना गया है इसके नेचर की वजह से, इसके नेचुरल ब्यूटी की वजह से. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन. मार्शियल मैन मीन्स वॉरियर्स. ओके, द मैन, द पर्सन्स who were related with the race of warriors. तो यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो मार्शियल हैं, जो वॉर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने वॉर में हिस्सा लिया हो. ब्यूटिफुल वुमेन, और यहाँ की महिलाएँ बहुत खूबसूरत हैं. एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और तरह तरह के जंगली जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं. एंड Coorg और कोडागू, इसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ओके, ये कर्नाटका का एक सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है. इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. यहां पर देखिए, जो यहां पर जंगल हैं वो इतने घने हैं. क्यों घने हैं, उनके पेड़ों की वजह से. पेड़ भी कितने घने हैं, डेंस हैं, ड्यू टू द हैवी रेन. ठीक है ना, यहां पर बारिश जो रहती है वो बहुत, काफी महीने रहती जो है वो बहुत ही ज्यादा रहती है. तो ड्यू टू हैवी रेन द फॉरेस्ट आर डेंस. फॉरेस्ट डेंस क्यों है, वहाँ पर जंगल इसलिए घने हैं क्योंकि वहाँ पर पेड़ बारिश की वजह से बहुत घने हैं. ठीक है ना, तो स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा है. स्पाइसेस या मसाले होता है, मसाले जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं वो मसाले भी यहाँ प्रोड्यूस होते हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. देखिए इतने यहाँ पेड़ हैं, इतने जंगल हैं यहाँ पर,
कि उन पेड़ों की वजह से इस लैंड का, वैसे ये छोटा सा हिल स्टेशन है, इस लैंड का, कूर्ग की लैंड का 30% कवरेज होता है केवल और केवल रेन फॉरेस्ट की वजह से. ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. ठीक है ना, जब मॉनसून का समय होता है कुछ महीने, तो उस वक्त यहाँ पर विजिटर्स विजिट नहीं कर पाते हैं हैवी रेन की वजह से. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेज फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. और यहाँ पर एक इन्जॉयमेंट का सोर्स तो है ये हिल स्टेशन, लेकिन यहाँ पर विजिटर्स हर समय नहीं आ सकते, पूरा साल भर नहीं आ सकते. यहाँ पर कुछ ड्यूरेशन दी हुई है कि सेप्टेम्बर से लेकर मार्च तक का जो समय होता है, ठीक है, उस समय, उस ड्यूरेशन में यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं. ये एक इन्जॉयमेंट सोर्स है, इन्जॉयमेंट हिल स्टेशन है. यहाँ पर आकर आप अपनी वैकेशन इन्जॉय कर सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी को देख सकते हैं. कौन से ड्यूरेशन में? सितंबर से लेकर मार्च तक. द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. मतलब इस समय ऐसा नहीं है कि सितंबर से मार्च तक में कुछ भी बारिश नहीं होगी, कुछ भी बूंदाबांदी नहीं होगी, ऐसा नहीं है. हल्की सी शॉवरिंग बनी रहती है, तो वो मौसम को और सुहावना बनाने के लिए बहुत अच्छी रहती है. द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, यानी कि हवा में भी मानो कॉफ़ी की खुशबू इस तरह से फैली होती है कि अगर आप उस एनवायरमेंट में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा. इफ़ यू डोंट नो दैट द हिल स्टेशन इज रिगार्डिंग विद कॉफ़ी प्लांटेशन, तो आप अपने आप हवा की खुशबू से पहचान जाएंगे कि ये हिल स्टेशन जो है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत पॉपुलर होगा. नेक्स्ट देखिए, कॉफ़ी एस्टेट्स. एस्टेट मीन्स पीस ऑफ लैंड, ठीक है ना. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज. कॉलोनियल मीन्स होता है ओल्डन, ठीक है ना. जो काफ़ी पुराने बंगलोज हैं वहाँ पर, ठीक है, बंगलोज तो पाए जाते हैं, लेकिन बंगलोज जो वहाँ बने हुए हैं वो बहुत पुराने बने हुए हैं, पुराने स्टाइल से बने हुए हैं. स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. कैनोपीज मीन्स होता है रूफ कवर्ड बाय ट्रीज. ओके, शेल्टर जो वहाँ लेते हैं, जो घर बने होते हैं, स्पेशली जो ओल्ड बंगलोज बने होते हैं, उनकी जो छतें होती हैं, ठीक है ना, वो कवर्ड हो जाती हैं इतने घने पेड़ों की वजह से. मतलब पेड़ इतने डेंस रहते हैं कि घरों की छतों को भी कवर कर लेते हैं, राइट. द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. तो यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है ना, फायर्सली मीन्स वैसे ही वो वैलर लिए हुए होते हैं, करेज लिए हुए होते हैं, ब्रेवरी लिए हुए होते हैं अपने आप की क्वालिटीज़ में. तो ये लोग जो है माने जाते हैं ग्रीक और अरेबिक डिसेंडेंट, जो इनके पूर्वज हैं वो ग्रीक और अरेबिक डिसेंट हैं, ठीक है. एज वन, पूर्वज हैं तो ये जो आगे जनरेशन आ रही है वो भी, उनके ऊपर भी ग्रीक और अरेबिक कल्चर का प्रभाव तो अच्छे से देखने को मिलता है, ये आप आगे पढ़ेंगे. As one story goes, एक स्टोरी बताती है हमें ये क्या, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. ठीक है ना, जब Alexander की आर्मी के लोग आगे नहीं जा पाए सेटल होने के लिए, जब उन्हें सेटल होने के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को फेस करना पड़ा, तो वो साउथ की ओर निकल गए. ओके, साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल हेयर, और यहीं पर सेटल हो गए. When return became impractical, ठीक है ना, जब वो वापस पहुंच नहीं पाए अपने स्टेट. तो दीस पीपल मैरिड एमंगस द लोकल्स, और यहाँ के लोगों ने वही लोकल एरियाज के ही वुमेन से शादी की. मतलब जो भी, अगर किसी को ब्राइड ग्रूम, ठीक है, जो भी होते थे दुल्हा दुल्हन, वो लोकल्स ही होते थे. यानी कि बाहर की कंट्री या बाहर के स्टेट के लोगों से शादी करना इन्हें पसंद नहीं था. तो दीज पीपल मैरिड एमंगस द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, ठीक है ना. और उनका कल्चर भी वो अडॉप्ट कर लेते थे, मार्शल कल्चर, मार्शल ट्रेडिशंस जो होते थे उनके वॉर से बिलोंगिंग्स. मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम वर्ड वहाँ के लिए यूज़ होता है, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर बहुत लोग अपनाते हों, ठीक है ना. काफ़ी सारे लोगों को अपनाया गया जो ट्रेडिशन हो, कल्चर हो, उसे मेन स्ट्रीम कहा जाता है, जो ज़्यादा चलता हो. तो देखिए, हिंदू मेन स्ट्रीम लिखा हुआ है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम. तो ये अपने कल्चर को ही बिलोंग करते थे, अपने कल्चर, अपने लोकल कल्स में ही शादी इसलिए करते थे ताकि वहाँ के मार्शल कल्चर को ये अपना पाए, ना कि दूसरे कल्चर को. ओके, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग बैक
coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus known as kufia. It resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds. अब देखिए इनके कल्चर में इनके ड्रेसअप को ड्रेस सेंस देखिए कहाँ से लिया गया है या ऑटोमेटिक आया है इनमें. अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो ग्रीक और अरब से बिलोंग करते थे, तो इनके जो आगे जनरेशन थी उन पर भी इनका इन्फ्लुएंस अच्छा आया. ठीक है, अब इनके कल्चर में देखिए अरब से इनका कल्चर ओरिजिन था. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जो ड्रेस पहनते थे कौन? कूर्ग के लोग जो ड्रेस पहनते थे जिन्हें कोडावूज कहा जाता था. क्यों? इनका एक लॉन्ग कोट होता था, राइट, लॉन्ग ब्लैक कोट, और उस पर जो बेल्ट होती थी कमर की बेल्ट वो एम्ब्रॉयडर्ड होती थी, उस पर कढ़ाई होती थी वॉर्न बाय द कोडावूज, जो पहना जाता था कोडावूज के द्वारा, नोन एज कूपिया. और इस ड्रेस को कूपिया के नाम से, मतलब कूर्ग में जो ड्रेसअप पहना जाता था किनके द्वारा? कोडावूज के द्वारा, कूर्ग के लोगों के द्वारा. उन्हें क्या कहा जाता था? कूपिया. उस ड्रेस को इट रिजेंबल्स अ कूफिया, ये ड्रेस मैच करती थी कूफिया से. कूफिया KUFFIA, कूफिया वो ड्रेस है जो अरब के लोग पहनते थे, ठीक है, और कर्ड्स पहनते थे. तो ये लोग जो ड्रेस पहनते थे इस ड्रेस की सिमिलैरिटी किससे थी? कूपिया से, KUPPIA, राइट, जो कूर्ग के लोग पहनते थे. कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. अब देखिए इनके इनका कल्चर कितना अच्छा था, क्या इनमें अतिथि सत्कार की जो भावना थी, ओके, किस तरह से हॉस्पिटैलिटी करते हैं, किस तरह से मेहमानों को वेलकम करते हैं, वो बहुत अच्छी थी. कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर. वैलर मीन्स फुल ऑफ करेज, फुल ऑफ ब्रेवरी रिलेटेड टू देअर सन्स एंड फादर्स. अब देखिए कूर्ग में जितने भी घर होते थे, जहाँ जिस भी घर में आप जाएँ, ओके, वैन एवर यू गेट एन एंट्रेंस टू एनी टाइप ऑफ होम और रेसिडेंस, यू मे फाइंड अ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी बाय दोज पीपल. ठीक है, तो वो लोग आपकी हॉस्पिटैलिटी करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे. एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, ओके, और वो ऐसी कहानियों को सुनाने में हमेशा एग्रेसिव रहते थे. एग्रेसिव मीन्स पॉजिटिवली, ओके, हमेशा क्यूरियस रहते थे कौन सी टेल्स, कौन सी कथाएं या स्टोरी सुनाने में जो कथाएं ब्रेवरी से भरी होती थी. ब्रेवरी मीन्स उत्साह से, बहादुरी के किस्से सुनाते थे जो रिलेट करती थी बहादुरी और इसके उत्साह के जो किस्से थे जो वो रिलेट करते थे अपने बेटों से और अपने फादर से. ठीक है ना, कहानियां सुनाते थे कि हमारे फादर ने उस युद्ध में हिस्सा लिया था, उस युद्ध में वो जीते थे, उसको हराया था, लाइक दिस. द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. अब डेकोरेटेड मीन्स तो वैसे सजाना होता है, लेकिन यहां पर जो डेकोरेटेड का मीनिंग है मीन्स कूर्ग का एक ऐसा रेजिमेंट है, फोर्स है, जिसे सबसे ज्यादा डेकोरेट किया गया. डेकोरेट मीन्स अवॉर्डेड, ओके, अवॉर्ड्स दिए गए हैं ब्रेवरी के, बहादुरी के. ठीक है, इन द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वॉज अ कूर्गी. और जो फर्स्ट इंडियन आर्मी के जो जनरल थे जिनका नाम कैरियप्पा था वो कूर्गी ही थे. इवन नाउ, यहाँ तक कि अब तक भी, कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस. अब देखिए कहीं भी अगर वेपन्स, कोई भी फोर्स अगर वेपन्स अपने साथ रखती है, राइट, तो उस फोर्स को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है. दे नीड अ पर्टिकुलर लाइसेंस, ओके, बिकॉज वी आर कैरिंग वेपन्स और फायर आर्म्स. लेकिन कूर्ग में ये कूर्ग फोर्स ऐसी थी, इतनी जेन्युइन फोर्स थी कि इन पर आंख बंद करके भी कोई भरोसा कर सकता था. तो इसलिए इनको विदाउट लाइसेंस जो है वेपन्स कैरी करने की अथॉरिटी मिली. द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग. देखिए साउथ की ये बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, क्या, जिसका नाम कावेरी है. कावेरी ऑप्टेन्स करती है अपना वाटर कहाँ से? कहाँ की पहाड़ियों से? पहाड़ियों और जंगलों से, ऑफ कूर्ग, कूर्ग के. महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश. महासीर किसका नाम है? नदी का नाम नहीं है, ये एक फिश का नाम है जो एक बहुत ही बड़ी फिश है. फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, जो कि ज़्यादा पाई जाती है ऐसे पानी में, इस नदी के पानी में. किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच. किंग फिशर एक बर्ड का नाम है जो कि डाइव
डाइव करती है. डाइव मीन्स वैसे होता है डुबकी लगाना. अब ये बर्ड है तो ये क्या है, किंगफिशर डाइव करती है अपने कैच के लिए. कैच किसको, मछली को पकड़ने के लिए. वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉ पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर. और जो लंगूर और बाकी जानवर हैं, ठीक है ना, स्पेशली स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स, वो क्या करते हैं, आधे खाए हुए फ्रूट को जो वो खाते हैं, ठीक है, कुछ खाए हुए फ्रूट को या आधे खाए हुए फ्रूट को अपनी शैतानियों को करने के लिए पानी में थोड़ा सा फेंकते हैं या पानी में हिलाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो पानी में जो फ्रूट गिराने से या फेरने से जो रिपल्स बनती हैं, मतलब जो वेव्स के पैटर्न्स बनते हैं, उसको इंजॉय करते हैं और उसकी लहरों को इंजॉय करते हैं, स्प्रे को इंजॉय करते हैं, ठीक है, इन द क्लियर वाटर, उस क्लियर वाटर में. एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स. ओके, एलिफेंट माउथ्स मीन्स जो केयर टेकर होते हैं एलिफेंट्स के, जिसे कि हिंदी में महावत भी कहते हैं, ठीक है, तो एलिफेंट्स के जो केयर टेकर्स होते हैं वो उन्हें नहलाते हैं, स्क्रब करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है, वहाँ के पानी से. द मोस्ट, मतलब ये सब नज़ारे आप देख सकते हैं कहाँ, कावेरी नदी के आसपास या जहाँ जहाँ उसका पानी जाता है. द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, लेड बैक मीन्स रिलैक्स्ड, ओके, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, ओके, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ओके. अब देखिए ये कुछ एडवेंचरस टास्क दिए हुए हैं, ये भी वहाँ किए जाते हैं, राइट, अपने एनर्जी को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हम कितने करेजियस हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ के नेचर को, नेचुरल ब्यूटी को, ठीक है. तो वहाँ पे कौन कौन से हाई एनर्जी टास्क होते हैं, रिवर राफ्टिंग, ठीक है ना, पानी में यूं ही नहीं चलना, ठीक है ना, वुडन प्लैंक्स बना लेना, वुडन प्लैंक्स मीन्स लकड़ी के तख्ते और उसको जोड़कर प्लैंक बनाए जाते हैं और उस पर रिवर राफ्टिंग की जाती है. कनोइंग मीन्स when you are boating through narrow large boat, ठीक है, उसके through आप canoeing करते हैं, boating करते हैं. rappelling, rappelling means जब आप किसी रोप के सहारे स्लाइडिंग करते हैं, स्लाइडिंग डाउन करते हैं रोप के सहारे माउंटेन से. रॉक क्लाइंबिंग, जब आप रॉक पर चढ़ते हैं. एंड माउंटेन, नाउ टू पेजेस वी हैव कम्प्लीटेड, ठीक है, लास्ट पेज देखिए कोरकाई. तो रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. माउंटेन बाइकिंग क्या है, जब माउंटेन पर बाइक नहीं चलाते हैं, माउंटेन पर साइकिलिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड माउंटेन बाइकिंग. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Okay, यहाँ पर बहुत सारे walking trails भी हैं. Walking means देखिए घने जंगल तो बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, रेन फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर कुछ ऐसे paths बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं. कैसे बन जाते हैं, कुछ मैकेनिज़म्स के द्वारा नहीं, ठीक है, जब वहाँ पर पेडेस्ट्रियंस चलते ही रहते हैं, मीन्स जो रास्ता पेडेस्ट्रियंस के लिए, वॉकिंग के लिए यूज़ टू हो जाता है, तो वहाँ से पेड़ जो हैं वो हल्के हल्के धीरे धीरे साफ़ होते चले जाते हैं, तो एक वॉकिंग ट्रेल्स बन जाता है, रास्ता बन जाता है चलने का. और रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स. ट्रैकर्स मीन्स जब आप नेचर वॉक करते हैं, ठीक है ना, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए जब आप चलते रहते हैं, वॉक करते हैं, तो वो फेवरेट पाथ बन जाता है, रास्ता बन जाता है ट्रैकर्स के लिए, मतलब जो नेचर वॉक करते हैं. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. वहाँ पर देखिए एनिमल्स तो हैं ही, नेचुरल ब्यूटी भी है, साथ साथ इस नेचुरल ब्यूटी को थोड़ा और इंक्रीज करने के लिए वहाँ के जो पक्षी हैं वो भी इस सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं. क्या, कौन कौन से बर्ड्स होती हैं, तरह तरह की, बीज, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज, तितलियाँ आर देयर टू गिव यू कंपनी, आपको कंपनी देने के लिए भी हैं. ओके, मैक्यूज, मालाबार, स्क्विरल्स, ओके, लंगूर्स एंड स्लैंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी. ठीक है, जब आप वहाँ से ट्रैक करते हैं, मीन्स जो ट्रैकर्स होते हैं जो नेचर वॉक करते हैं, ठीक है ना, जब आप ट्रैकिंग पे रहते हैं तो उस वक्त आपको पेड़ों की कैनोपी से, मतलब आप कह सकते हैं जो शेल्टर है,
ठीक है, कैनोपी या छत, यहाँ पे पेड़ों की छत यानी कि पेड़ों के ऊपर से ब्रांचेस से ये सारे जो जानवर हैं ये आपको देखते रहते हैं। आई डू हाउ एवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और मैं ये कहना चाहूँगा, मीन्स जो राइटर हैं वो ये, कि यदि आप सामने से आते हुए किसी वाइल्ड एलिफेंट को देखें तो आपको, आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप उसे रास्ता दें, मीन्स अदरवाइज इट वुड बी हार्मफुल फॉर यू। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इंटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। ठीक है, तो यदि आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ना चाहते हैं तो वो वहाँ से आपको एक ऐसा नज़ारा मिलेगा, ठीक है ना, इतना ब्रॉड लैंडस्केप का, क्या कि आपकी आंखों के सामने क्या इंटू अ पैनोरामिक व्यू, पैनोरामिक व्यू वही होता है, एक ब्रॉड व्यू, ठीक है ना, ओपन व्यू मिलेगा ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप, ऐसे लैंडस्केप का जो मिस्ट से भरा हुआ है, धुंध से भरा हुआ है कूर्ग का। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64-acre आइलैंड ऑफ निसार, ओके, निसार गदमा रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्ग्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिप्टन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलैकप्यू इज अ बोनस। द मॉन्ग्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स आर एमंगस द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स स्कॉर्चिंग फॉर द सॉरी सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कूर्ग। तो ये लास्ट पार्ट के साथ हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा पैराग्राफ है with some key notes, I'll discuss in next video and I'll start new.